हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम बच्चा पार्टी। आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये सीबीएसई का 10th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आप सब लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, कई बार ऐसा होता है अपन बातचीत जब करते हैं, जनरली जब हम बातचीत करते हैं तो एक ऐसा क्वेश्चन रेज होता है कि यार ये है ना अपने पापा की तरह दिखता है, या ये अपनी मम्मी की तरह दिखता है, या ये अपने दादा की तरह वॉक करता है, या ये अपने नाना की तरह बिहेव करता है, या नानी की तरह बिहेव करता है। जैसा भी है, आपने देखे होंगे कि लोग रिजेंबल करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कभी गुलाब के फूल के साथ होता है क्या? आपने देखा होगा गुलाब के फूल में ऐसा कोई बोले कि यार ये जो गुलाब का फूल है ना, ये अब इसके पहले एक जनरेशन थी उसके गुलाब के फूल जैसा है, या हर फूल अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होता। मतलब हम जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, उसमें ऐसा होता है कि आपको हेरिडिटी दिखती है कि इसके दादा परदादा कैसे थे और अब ये कैसे होते जा रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बंदरों से इवॉल्व हुए, ह्यूमंस बंदरों से इवॉल्व हुए, ठीक है। तो अपन क्यों बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमंस और बंदर दोनों के एम्ब्रियो नियरली सेम दिखाई देते हैं। फिर हम ये बोलते हैं कि यार पहले लोग बंदरों जैसे थे, क्यों? क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में पेड़ों पर चढ़ के रहते थे, तो इसलिए उनके हाथ लंबे थे लटकने के लिए, ठीक है, पूंछ होती थी बैलेंस करने के लिए। लेकिन जब वो जमीन पर चलने लगे तो पैर मजबूत होने लगे, हाथ की उतनी जरूरत नहीं पड़ने लगी, या पूंछ की जरूरत नहीं पड़ी, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो अपन हर चीज को इवोल्यूशन की तरह लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में बात की थी इवोल्यूशन की, तब हमने बात किया था कि लाइफ एक जीरो से शुरू हुई, एक शून्य से शुरू हुई। बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको थोड़ी सी बताई थी, और मैंने ये भी कहा था कि एक सडन ब्लास्ट हुआ, उस सडन ब्लास्ट के चलते धीरे 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 क्या हुआ, बहुत सारे प्रो कैरियर्स बने, फिर यू कैरियर्स बने, फिर उनमें डेवलपमेंट होता गया और हम यहाँ तक चले आए। आज हम बात करें हेरिडिटी की। इसको हिंदी में अनुवांशिकता बोलते हैं, अनुवांशिकता मतलब वंश, एक वंश से दूसरा वंश कैसे आया, और वो जो वंश या हेरिडिटी आई उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये सब बच्चों हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है, इनके इवोल्यूशन को पढ़ना है। बच्चा पार्टी, आप देख सकते हो एक्यूमुलेशन और वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय वेरिएशन कैसे आता है, देखो आपने देखा ये प्योर ब्लू था, ये प्योर ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है ना, ये जरूरी नहीं कि आप ऐसा सोचो कि एग्जैक्टली ऐसा होता है। फिर जब उसके दो ऑफस्प्रिंग मतलब दो जनरेशन बने, दो बच्चे बने, तो एक में देखो ये ब्लू की जगह रेड हो गया और यहाँ ये ब्लू की जगह ग्रीन हो गया। फिर इसने जब रिप्रोड्यूस किया तो देखो इसने अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए, इसने अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए, इसमें ये आपको वाइट आ गया, इसमें पिंक आ गया, पिंक और रेड हो गया, और इसमें ग्रीन इधर आ गया, या इसमें अलग चेंजेस दिखने लगे। या सुनो तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बच्चे जब जाते हैं या जब हेरिडिटी जाती है, तो वो जो डीएनए है, डीएनए इज व्हाट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या आप ऐसा बोल सकते हो जो जीन्स बोल दो, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल दो, जो आपकी मर्जी है, वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, और कैसे वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन सबको हमें डिस्कस करना है। बच्चा पार्टी एक चीज याद रखना, हेरिडिटी का मतलब चाहे लोअर ऑर्गेनिजम्स में हो या हायर ऑर्गेनिजम्स में हो, सभी में काम करता है। आई बिलीव यू ऑल हैव हर्ड अबाउट कोविड वायरस, उसको कोविड-19 कहा गया। कोविड-19 इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से आरएनए पैटर्न, जो था तो पहले जैसा ही नोन था, लोगों को पता था कोविड, लेकिन ये थोड़ा अलग था, इसलिए इसको 19 बोला गया। मतलब 2019 में नया तरह का कोरोना वायरस दिखा। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस एकदम ही नया है, लोगों को पता था कोरोना वायरस एक बहुत ही नॉमिनल वायरस था, सबको पता था, सबको ये वायरस, आप अगर पैथोलॉजी की बुक उठाओगे उसमें देखोगे तो आपको कोरोना वायरस के ऊपर बहुत डिटेल मिलेगा। लेकिन इस बार जो कोरोना वायरस आया वो अलग था, वो म्यूटेट हो पा रहा था, वो अपने आप को बदल पा रहा था, उस पर वैक्सीन काम नहीं कर रही थी, इसीलिए इतना डेंजर और बहुत एग्रेसिव है इस बार वाला, समझ में। तो अब आप बोलोगे सर आप हमें ये क्यों बता रहे हो, हम ऐसा इसलिए अभी समझ रहे हैं क्योंकि वायरसेस में भी हेरिडिटी वर्क करती है, लेकिन उनमें भी वेरिएशन आगे, इवोल्यूशन आगे। दुनिया में किसी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था, जब हम बात करते हैं, अगर आज आपसे मैं बोलूं कि बच्चों आज से 50 साल पहले प्लेग फैला था और प्लेग में हजारों लोगों की जान गई थी, तब आपके मन में 100% ये डाउट होता है, ऐसे कैसे, हाउ इट कैन बी, क्या इतना भी बुरी मेडिकल सर्विसेज थी क्या,
या अगर मैं बोलूं आपसे कि तकरीबन 100 साल पहले मलेरिया के कारण लाखों लोगों की डेथ हुई, इनफैक्ट अलेक्जेंडर की भी डेथ या सिकंदर की जान भी मलेरिया से गई थी। तो आप बोलोगे अरे मलेरिया से इतने लोग मर जाते, अपन तो एक क्लोरोक्विन खा के काम चला लेते हैं। तो आज से पहले लोगों को ये भरोसा नहीं होता था कि कोई बीमारी इतनी बड़ी पैंडेमिक हो सकती थी, लेकिन जब ये COVID-19 आया तो लोगों को एहसास हो गया कि भाई इवन इफ यू गो रियली गुड इन साइंस, इवन इफ यू गो वेरी गुड इन वायरोलॉजी, यू नो लॉट अबाउट वायरसेस, अ लॉट अबाउट मेडिसिन, अ लॉट अबाउट प्रैक्टिसेस, स्टिल वायरसेस के आरएनए में भी कुछ चेंज ऐसे आ सकते हैं कि आप उनके ट्रीटमेंट के लिए परेशान हो सकते हो या ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आज देखो लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हमारी कंट्री अकेले इंडिया में मोर देन 1.25 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड वायरस अभी तक टिल डेट, यस और नो? सो अब है ना हमारे दिमाग में ये परसेप्शन नहीं आना चाहिए कि कोई भी बीमारी कोई भी चीज ऑटोमेटिकली उठ के आ जाती है, वो भी इवॉल्व होती है। जैसे जैसे दवाइयां इवॉल्व हो रही हैं बीमारियां भी इवॉल्व हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी आरएनए एंड डीएनए के पैटर्न्स होते हैं। बैक्टीरियाज के केसेस में आपको आरएनए डीएनए दोनों का पैटर्न्स मिल जाएंगे, वायरसेस के केसेस में केवल आरएनए पैटर्न ही सब इंपॉर्टेंट होता है, डिस्कस करने लायक होता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन हर जगह हो रहा है, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे हर्ब्स श्रब्स ट्रीज कोई भी हो, सब में इवोल्यूशन हो रहा है। समझ में आ रही बात? नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट हेरिडिटी। मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया आपको ताकि आप समझ जाओ कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एक वायरस से दूसरा वायरस, एक इंसान से दूसरा इंसान, एक घोड़े से एक दूसरा घोड़ा, ये सब आ रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर्स में कुछ वेरिएशंस भी आ रहे हैं और इवॉल्व वेरिएशंस आ रहे हैं। मतलब परिवर्तन तो आ रहे हैं लेकिन विकसित परिवर्तन आ रहे हैं, इवॉल्व वेरिएशंस आ रहे हैं। बात समझ में आ रही सबको? बच्चा बाड़ी क्लियर? सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मन में और इस जीवन में आपको आएगा कि हेरिडिटी है क्या, अनुवांशिकता क्या है। तो अगर मैं सिंपल एक लाइन में अगर बोलूं ना, एक लाइन में हेरिडिटी, हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब फिर से सुनो, मैं फिर से बोलूं, द हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर भाई? गोरापन, कालापन, लंबापन, मोटापन, पतलापन, जितना भी ये जितने भी चीज है ना, लाइक ही लुक्स लाइक हिज फादर या शी लुक्स लाइक हर मदर, सो जितने भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कंसिडर्ड टू बी या इज सेट टू बी हेरिडिटी। ओके, नाउ हेरिडिटी में ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? वो ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर। बच्चा पार्टी में बार बार बोलना चाहता हूं, आप शब्दों को समझना। ट्रेट्स शब्द का मतलब, ट्रेट्स शब्द का मतलब होता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब लक्षण, या ज्यादा मुझे बहुत टिपिकल हिंदी में वो नहीं समझ में आ रही क्या बोलूँ मैं इसको, लेकिन ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर। जैसे गोरापन, जैसे फादर गोरा था बच्चा भी गोरा है, या मदर गोरी थी तो बच्चा भी गोरा है, या फादर काले थे तो बच्चा भी काला हो गया, या जो भी है गोरापन कालापन, ये सब ट्रेड्स में काउंट होता है। समझ में आ रही है बात? तो इनहेरिटेटेड ट्रेड्स मतलब वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टर्स जो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जाते हैं। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के पूरे कैरेक्टर्स उसके बच्चे में ट्रैवल करें, ये इम्पॉसिबल है, होता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ट्रेट होगा, स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा, या जो कैरेक्टर उस जीन में आ चुका है, कौन सा जीन? जो जीन्स गैमीट्स में थे, ठीक है, तो उन कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या ट्रेट्स बोलेंगे। सो जो ट्रांसफर होते हैं वो इनहेरिटेटेड है, जो नहीं होते हैं वो नॉन इनहेरिटेटेड। समझ में आया? अब हमें अगर ये समझना है तो हमको इसके लिए रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के लिए हमें मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट मेंडल और नॉट, बट मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेंडल के बारे में आपको बता दूं। मेंडल एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन, एक फार्मर थे जिनको बाद में फादर ऑफ हेरिडिटी
कहा गया। समझ में? बच्चा पार्टी, मैं थोड़ी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि आपको समझ में आए। मेंडल उस जमाने के थे जब खेती किसानी बहुत चला करती थी, लोग किसान, ज्यादातर लोग किसान होते थे, तो मेंडल अपने खेतों पे काम कर रहे थे। तो मेंडल के साथ क्या होता था कि वो पी प्लांट, मतलब मटर के पौधे के ऊपर वो खेती बाड़ी करते थे, मटर के ऊपर। मटर मतलब पी है ना, स्वीट पी, आपको पता ना मटर। तो होता क्या था कि वो एक जैसे बीज बोते थे, सिमिलर काइंड ऑफ सीड, सिमिलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट, सिमिलर काइंड ऑफ ऑल स्टफ, लेकिन हर बार उनको अलग अलग फसल मिलती थी। कभी फसल में उसको ग्रीन पीज मिल जाते, कभी वाइट पी आ जाते थे, कभी येलोइश पी आ जाते थे, कभी ग्राउंडेड होते थे, कभी स्वीट पी आते थे, कभी रिंकल्ड पी आते थे, कभी टेस्टलेस पी आ जाते थे। अब आपको एक चीज बता, आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैसे किसके मिलते हैं? आपने कभी मटर खरीदा हो तो क्या होता है, अपन मटर छील के टेस्ट करके देखते हैं, और अगर मटर मीठा है तो हम उसको पैसे देते हैं जितना वो बोलता है। और अगर मान लो तो टेस्ट बोला, अरे नहीं यार टेस्ट नहीं है, तो बोलेगा नहीं सर ये थोड़ा ऐसा वाला है वैसा वाला है। तो क्वालिटी अच्छी मटर क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का मटर मतलब सॉफ्ट हो, राउंडेड हो एंड ग्रीन हो, टेस्टफुल हो, ये सब कैरेक्टर्स मटर में, मटर की कीमत बढ़ा के देते थे। तो मेंडल को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें यार हम हर बार एक जैसे सीड बोते हैं, सीड वैसे ही है, सीड में कोई चेंज नहीं है, बट हर बार फसल अलग अलग होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर के जो खेत हैं उन खेतों को उन्होंने कुछ क्यारियां बना दी, क्यारियां मतलब लाइन से ऐसे अरेंज कर दिया अपने घर के पास ही, ठीक है, ऐसे करके क्यारियां उन्होंने बना दी, और उन्होंने इनकी काउंटिंग कर दी, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा करके कर दिया, और हर एक स्पॉट पर उन्होंने अपने हाथ से मटर देखा, उस मटर के कैरेक्टर्स मतलब उसके सीड के कैरेक्टर्स देखे, और उस सीड के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मटर को लगाना शुरू कर दिया प्रॉपर तरीके से। पहले रैंडमली लगा रहे थे, अब उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से लगाना शुरू कर दिया। और जैसे उन्होंने ऐसे मटर लगाए, उस मटर से कैसी मटर आई, मतलब उस सीड से कैसी मटर आई, सबको उन्होंने अपने एक पेपर में लिखना शुरू किया। लगातार 10-15 साल तक वो यही करते रहे, ठीक है। अच्छी बात क्या है मटर के पौधे की, वाय एक क्वेश्चन आता है, वाय मेंडल हैज टेकन पी प्लांट फॉर हिज रिसर्च। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मटर बहुत इजीली अवेलेबल है और मटर बहुत सस्ती है, अवेलेबिलिटी बहुत आसान थी और सस्ता था, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कारण। तीसरा कारण, मटर का जो लाइफ स्पैन होता है, मटर को ग्रो करने का मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है वो 3 से 4 महीने होता है, समझ में? मैक्स हुआ तो 6 महीने मान लो। तो ऐसा नहीं कि तुम आम के पौधे पे रिसर्च करते पता चला तुम्हारा बचपन से लेके 55 आ गया और तुम आम के पौधे पे आम ही नहीं उगा पाए, ठीक है, समझ में? प्लस उसका हाइट छोटा था मटर के पौधे, मान लो तुम खजूर के पौधे पे रिसर्च करते, खजूर इतना लंबा होता है, चढ़ के रिसर्च करते स्लिप हो जाते तो प्रभु की शरण में जाते, समझ में? तो सस्ता था, इजिली अवेलेबल था, शॉर्ट ड्यूरेशन लाइफ थी, शॉर्ट हाइट थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी था कि मटर के पौधे पर देर आर ओनली 7 contrast characters, 7 contrast characters थे, जैसे राउंड रिंकल्ड, ग्रीन, येलो एंड टेस्टफुल, टेस्टलेस ऐसे करके, या स्वीट टेस्ट एंड टेस्टलेस ऐसे करके, देर आर 7 contrast characters, ठीक है। अगर मान लो ह्यूमंस पे रिसर्च करते तो ह्यूमंस के अंदर इनफाइनाइट कैरेक्टर्स है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सच में अगर हम कलर की बात करते हैं ह्यूमंस में, कलर्स को देखो तो देखो स्किन का कलर अलग है, बालों का कलर अलग है, आंखों का कलर अलग है, आईब्रोज का कलर अलग है, आई लैशेस का कलर अलग है, नेल्स का कलर अलग है, अरे बाबा बॉडी के हर एक पार्ट के आपको कलर अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो वो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इतने ड्रास्टिकली ह्यूमंस में फैले हुए हैं, तो ह्यूमंस पे तो रिसर्च होना पॉसिबल नहीं था। तो हमने कुछ बातें डिस्कस की कि व्हाई मेंडल हैज टेकन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही वाज सेड एज और प्रोनाउंस्ड एज फादर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। ये देखो जॉर्ज जॉन मेंडल 1822 से 1884, मेंडल वाज एजुकेटेड इन मोंटेसरी एंड वेंट टू स्टडी and mathematics at the University of Vienna. Failures in the examinations
फॉर टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सरप्राइज हिज जील ऑफ साइंटिफिक क्वेस्ट. ही वेंट बैक टू मॉन्टेसरी एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पी. देख रहे हो मटर की खेती करना शुरू कर दिया. समझ में. मैनी अदर हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस रेट एंड अदर ऑर्गेनिज्म अर्लियर बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड वॉज द फर्स्ट टू कीप काउंट ऑन इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स. देख लो फर्स्ट टू कीप काउंट ऑन इंडिविजुअल एग्जिबिट्स अ पर्टिकुलर ट्रेड इन ईच जनरेशन. दिस हेल्प हिम टू अराइव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. बच्चा पार्टी एक चीज और है मैं बताना भूल गया, मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ. हमारे देश में क्या दुनिया के हर कोने में यही एक सच्चाई है कि जब कोई इंसान मेहनत करता है जीत जान से मेहनत करता है, हो सकता है कि उसको अपनी लाइफ में उतने बड़े अचीवमेंट्स ना मिले, लेकिन उसके जाने के बाद लोगों को पता चलता है कि वो कितना धुरंधर इंसान था. ये हमने मैडम क्यूरी के केस में देखा था, पीरे क्यूरी, मैरी क्यूरी, मेंडल के साथ भी होता, मेंडलीव के साथ भी होता, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है. ठीक है, लेट मी एड वन मोर थिंग हियर. जब मेंडल अपनी पूरी रिसर्च कि उन्होंने 15-20 साल जो पी प्लांट के ऊपर उन्होंने रिसर्च की, पूरा मोटा एक बंडल लेके पहुंचे बुक्स का, और अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी में अपने यहाँ के साइंटिस्ट लोगों को जब उन्होंने बताया, और वो भी कैसे पता चला वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. क्या हो रहा था कि मटर की खेती करते करते, मटर के ऊपर रिसर्च करते करते मेंडल को बड़ा नॉलेज आ गया. अब क्या हो गया, मेंडल है ना रिसर्च करते करते इतना एक्सपर्ट हो गए कि मेंडल ने प्रिडिक्शंस देने शुरू कर दिए. ही स्टार्टेड गिविंग प्रिडिक्शंस. कैसे प्रिडिक्शंस, भाई देखो इस बार हमारे यहाँ ऐसी ऐसी मटर होगी, यहाँ पर इस जमीन पे जो ये पौधा लगा है इससे ये वाली मटर होगी, इस तरह की मटर होगी, ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया, भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया. अब जब उनकी भविष्यवाणी बैक टू बैक सही आने लगी तो लोग सरप्राइज हो गए, उनकी जो फसल थी उसकी कीमत भी अच्छी मिलने लगी. क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कौन सी मटर से ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो एग्जैक्टली उसी तरह के ट्रेड्स को डेवलप करा रहे थे, तो उनकी मटर भी अच्छी आ रही थी, पैदावार भी अच्छी हो रही थी, और कमा भी खूब रहे थे. ठीक है, तो अब लोगों को पता चला, तो लोगों ने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि भाई हमने ऐसी ऐसी रिसर्च की, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ. तो ये बात घूमते घूमते कहाँ पहुंच गई, उस जमाने के जो साइंटिस्ट वगैरह होते थे उनके पास पहुंच गई. अब जब वहां बात पहुंची तो मेंडल को लोगों ने बोला, भाई ये तो फेलियर है यार, एक जमाने में फेल हो गया था स्कूल में, क्या गधा आदमी है, ठीक है अब तुम आए हो पूरी बात बोल रहे हो तो चलो ठीक है तुम्हारे सुन लेते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उनकी पूरी थीसिस को, पूरी रिसर्च को अपने पास रख लिया, बोले ठीक है हम पता करेंगे, चेक करेंगे, होगा तो वैसे कुछ नहीं, निकल आया तो चलो तुम्हें बताएंगे. मेंडल चले आए. अब धीरे 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 भाई साहब ये कहानी बढ़ती गई और उनकी रिसर्च को प्रूफ होने में 20-25 साल लग गए. उनकी रिसर्च को प्रूफ होने में 20-25 साल लगे, उन साइंटिस्ट ने 20-25 साल लगा दिए, तब तक में मेंडल इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे. सो आफ्टर हिज डेथ ही वॉज प्रोनाउंस्ड एंड वॉज गिवन विद द नेम ऑफ फादर ऑफ वॉट, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी. समझ में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब इतनी ज्यादा जो मैंने आपको कहानी सुना दी है, अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं ताकि आप लोग इसको समझ जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो गड़बड़ होगी. कुछ शब्द हैं जो आपको मिलेंगे देखने के लिए. सबसे पहले आपको शब्द मिलेगा क्रॉस. क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है जब हम मेल और फीमेल गैमिट्स को फ्यूज करते हैं, दैट विल बी क्रॉस. ठीक है, अब एक शब्द आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मैं जानबूझ के पहले से बता रहा हूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. क्रॉस का मतलब वही है क्या, मेल और फीमेल गैमिट्स को मिलाना, लेकिन जब मोनो हाइब्रिड बोलेंगे तो मतलब सिंगल कैरेक्टर्स का क्रॉस. सिंगल कैरेक्टर, जैसे मान लो ग्रीन वर्सेस व्हाइट, टॉल वर्सेस ड्रॉप, या राउंड वर्सेस रिंकल्ड, ऐसा, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, फिर आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर, जैसे राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन एक हो गया, तो रिंकल्ड एंड येलो दूसरा हो गया. ठीक है, राउंड और ग्रीन वाले मटर को हमने रिंकल्ड और येलो वाले मटर से क्रॉस कराया. ठीक है, अच्छा ये तो हो गया क्रॉस की बात, मैं फिर बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है. ठीक है, नंबर वन. नंबर टू, व्हाट इज F1 जनरेशन. जब आप पहला क्रॉस कराते हो, व्हेन यू अप्लाई फर्स्ट क्रॉस, चाहे मोनो हाइब्रिड कराओ चाहे डाई हाइब्रिड कराओ, तो जो जनरेशन बनती है उसको F1 जनरेशन कहते हैं. F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन. अब ये F1 जब क्रॉस करेगा तो जो जनरेशन बनेगी वो F2 जनरेशन होगी. मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन. ठीक है, F1 जनरेशन जब क्रॉस करेगी तो F2 जनरेशन, F2 जनरेशन जब क्रॉस करेगा तो F3 जनरेशन, लाइक दैट.
ठीक है, ये हो गई नंबर टू। अभी देखो यहां पे आपको देखो क्या दिख रहा है, ये टी टी। हाँ अब ये देखो, कभी भी याद रखो, कभी भी याद रखो, किसी भी एक कैरेक्टर के लिए, किसी भी एक कैरेक्टर, चाहे टॉलनेस हो, ड्रॉफनेस हो, राउंडनेस हो, या रिंकलनेस हो, या ग्रीन हो, या लो, कुछ भी कैरेक्टर लो, तो उसको आप हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करोगे। जो कैपिटल लेटर रहेगा, कैपिटल लेटर, ये रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट को। डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को शो करेगा, और जो स्मॉल लेटर में रहता है वो रेसेसिव को शो करता है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, ये टॉल वाला जो है, सपोज ये अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन, और जो शॉर्ट वाला है ये लेट से जया बच्चन है, जया बच्चन। अब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का जो लड़का बना, कौन बना? अभिषेक बच्चन। वो लंबा है कि छोटा है? आप बोलोगे सर लंबा है। तो अगर अभिषेक बच्चन लंबा है, दैट मींस अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था, और उसका लड़का क्या हुआ, हाइट में अमिताभ बच्चन जैसी हाइट पाया। समझ में आई बात? समझ में आया? हालांकि सभी कैरेक्टर्स के लिए होता है, हो सकता है हाइट के लेके हो, या किसी भी, यार ह्यूमंस में तो इनफाइनाइट कैरेक्टर्स होता है, एज आई सेड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपको कैपिटल लेटर मिलेगा वो डोमिनेंट को शो करेगा, और जो स्मॉल लेटर रहेगा वो किसको शो करेगा, रेसेसिव को शो करेगा। डोमिनेंट वो होता है जो रेसेसिव को दबा के अपने आप को शो कर दे। मतलब अब जैसे यहां देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, मैं आपको बताऊंगा, बस समझाने के लिए। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी है इसमें, इसलिए देखो ये टॉल है, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर टॉल, कैपिटल टी ऑब्वियसली स्टॉल बिग है ना, टॉल। ठीक है, फिर से कैपिटल टी टॉल, टी टी टॉल, और देखो स्मॉल टी आया, इसलिए ये शॉर्ट हो गया। समझ में? तो अगर प्योर कैरेक्टर रहा तब तो टॉल ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर मिक्स कैरेक्टर भी रहे तो जो बड़ा लेटर में आप रिप्रेजेंट करोगे वो डोमिनेंट को दिखाता है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अगर हाइटेड आदमी और कम हाइट की औरत शादी करते हैं तो उनका बच्चा हाइटेड होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी कैरेक्टर, हो सकता है कि ड्रॉफनेस या कम हाइट वाला कैरेक्टर ही डोमिनेंट हो, तो बच्चा पैदा हुआ तो ड्रॉफ हो गया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये बाप लंबू था और मम्मी टिंगू थी तो बच्चा टिंगू कैसे जा गया, ऐसा कैसे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लंबू टिंगू इसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो शो हो गया वही लंबू टिंगू डिसाइड करेगा। ठीक है, क्लियरली आ रही है बात समझ में? मैंने इस पार्ट को आपको समझाने के लिए गंदा कर दिया, लेकिन अभी मैं इसको आपको और डिटेल में बताऊंगा। बच्चा पार्टी, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, लेट्स हैव दिस, बिकॉज ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मेंडल के जो लॉज है ना, समझ में, उसमें सबसे पहला लॉ, ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ। मान लेते हैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं। गाइज, दोज हु वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन, प्लीज डू नॉट मिसजज कि सर अमिताभ बच्चन को के लिए बोल रहे हैं या जया बच्चन के। बोथ दोज पीपल आर वेरी मच रिस्पेक्टेड टू मी, आई एम नो वन टू से एनीथिंग टू दोज फाइन पीपल। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझने के लिए आसानी हो। समझ में? प्लीज डू नॉट मिसजज और प्लीज डू नॉट मिसलीड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, है ना? ठीक है, क्योंकि अगर मैं मटर के पौधे के ऊपर बोलूंगा तो मटर आपको अभी दिखेगा नहीं, मैं एक्चुअली मटर के ऊपर ही बता रहा हूँ। तो लेट्स से कि हमारा मटर का पौधा है अमिताभ बच्चन टाइप कैपिटल डी कैपिटल टी, और एक मटर का पौधा है जया बच्चन टाइप स्मॉल टी ये कैपिटल डी दो गैमिट्स बनाएगा, ये भी स्मॉल टी गैमिट्स बनाएंगे। याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ह्यूमंस के अंदर जो गैमिट्स होते हैं या जो जीन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, इसलिए देखो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये जीन्स ह्यूमन के अंदर ऐसी कंडीशन में होते हैं, ये पेरेंट्स हैं, दीज आर पेरेंट्स। ठीक है, अब उनके ये क्या बन गए, ये गैमिट्स है, दीज आर गैमिट्स दीज आर द गैमिट्स बच्चा पार्टी। ठीक है, ये गैमिट्स का कैपिटल डी अब इनमें क्रॉस होगा। ठीक है, अब क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इसके साथ आया,
कैपिटल टी स्मॉल टी ये इसके साथ आया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और ये इसके साथ आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। आप ध्यान से देखो इन सब में एक कैपिटल जरूर आ रहा है, मतलब ये पूरे के पूरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरे के पूरे क्या होंगे, टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल टी इसमें रेसेसिव है और कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो टॉल होंगे। समझ में आया? अच्छा अब बात करते हैं, अगर इनमें से कैरेक्टर ले लिया हमने, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको आप क्रॉस, हालांकि याद रखना ये एफ वन जनरेशन है, दिस इज एफ वन जी, ठीक है, और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। क्यों मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, वाई इट इज मोनो हाइब्रिड, क्योंकि मैंने एक ही कैरेक्टर लिया, टॉलनेस एंड ड्रॉफनेस वाला, हाइट वाला कैरेक्टर लिया, ठीक है। अच्छा अब इसके भी आप गैमिट्स बनाओगे। अच्छा ये कौन सा है, ये एफ वन जनरेशन है, दिस इज एफ वन जी, एफ वन जी। अभी जो क्रॉस करेगा उसको आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं बोलोगे, उसको आप एफ वन क्रॉस बोलोगे, एफ वन क्रॉस, और इस एफ वन क्रॉस से जो बनेगा उसको एफ टू जेनरेशन बोलोगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन आप अपना हटा लो। तो अब अपन एफ वन क्रॉस कराने वाले हैं, तो एफ वन क्रॉस कराने से पहले हम इनके गैमिट्स बनाएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से मिला, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड लास्ट में स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दिस इज वॉट, दिस इज योर एफ टू जेनरेशन। और अगर आप इस एफ टू जेनरेशन में देखोगे तो ये वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, ये तीनों टॉल है और ये इकलौता ड्रॉप है। तो अगर मैं टॉलनेस वर्सेस ड्रॉपनेस की बात करूं किसमें, एफ वन क्रॉस में, तो आपको 3:1 का रेशियो मिलेगा, ठीक है गाइज। जो आप देख के बता पा रहे हो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, फिनो PHENO, फिनोटाइप। जो हम देख के बता सकते हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें देख के पता चल जाते हैं। जैसे हमने कैपिटल टी देखा तो पता चल गया भैया ये तो टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और इसमें दोनों स्मॉल टी है, मतलब ये ड्रॉप है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप, जो देख के समझ में आ जाता है। एक होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप कभी देख के समझ में नहीं आता। कैसे, ध्यान से देखो, दिस वन इज टॉल, दिस वन इज टॉल, दिस वन इज टॉल, दिस थ्री आर टॉल, क्या लेकिन तीनों के जीन्स एक जैसे हैं? नहीं, ये एकदम प्योर है कैपिटल डी कैपिटल डी, और ये दोनों मिक्स्ड है, हाँ ना। तो इसलिए अगर मैं इसका जीनोटाइप लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1:2:1, मतलब ये हो गया 1 और ये दोनों एक जैसे है, इसलिए 2:1। तो ये क्या हो गया, प्योर टॉल, ये हो गया मिक्स्ड, और ये हो गया प्योर ड्रॉप। समझ में आई बात? तो जीनोटाइप हमें देख के पता चल जाते हैं, फिनोटाइप हमें देख के पता नहीं चलता। आप बोलोगे सर अभी आपने देख के तो आंसर किया, बच्चे मैंने देख के आंसर किया मतलब ये, क्योंकि मैंने इसमें आपको कुछ चीजें बता दी थी। जीनोटाइप साइंटिस्ट लोग देखते हैं, जीन्स का अरेंजमेंट साइंटिस्ट लोग देखते हैं, और ये आप ऐसे ही नहीं बता सकते। समझ में आई बात? जबकि आप फिनोटाइप देख के बता सकते हो, फिनोटाइप आप देख के आसानी से बता सकते हो। क्लियरली बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? यस यस ओके। सो गाइज ऑन दैट नोट आई एम कंक्लूडिंग टूडेज लेक्चर। हम इसको और डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, हम और अच्छे से इसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आई बिलीव कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो। तो मिलते हैं बच्चा पार्टी अगले लेक्चर में। Until then, bye guys, take care. Bye everyone. Bye.